2021 में पीटीआई गवर्नमेंट ने ये बिल मुतारफ करवाया और उन्होंने कहा कि जो इंटरनेट वोटिंग के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानीज को अगले इलेक्शन में वोट का हक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ये इंतखाबात करवाएगा। कौमी असम्बली में इस बिल को बुलडोज करके पास करवाया गया और उसके साथ जो ईवीएम्स जुड़ी हुई हैं कि लोकल इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। उस वक्त की मुतहदा अपोजिशन 2018 में आरटीजीएस के बैठने के बाद जो पाकिस्तान की सियासत के साथ हुआ और पार्लियामान के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। वो कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फोंक फोंक के पीता है। मुतहदा अपोजिशन ने इन तजावीज़ की मुखालफत की और उन्होंने कहा कि इसके लिए एक होलिस्टिक कमेटी बनाई जाए जिस तरह 2017 में बनाई गई थी और ये इत्तफाक़ी राय से किया जाए, क्योंकि 2017 की लेजिस्लेशन में ज़ीरो डायसेंट था, यानी कि कोई मुखालफत में वोट नहीं था किसी जमात का। पीटीआई गवर्नमेंट ने यह बात ना सुनी और उन्होंने कौमी असम्बली में 23 बिलों के दरमियान ये बिल रख के आधे घंटे में रूल्स को सस्पेंड करते हुए, प्रोसीजर्स को बुलडोज करते हुए ये कानून साजी मंजूर की। लेकिन ये जब मामला सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आया तो सेनेट ने अक्सरीती वोट के साथ इस मामले को स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लियामानी अमूर के सुपुर्द किया। उस कमेटी में आधे अराकीन उस वक्त की हुकूमत के और आधे अराकीन ऑपोजिशन के थे। 12 से ज़ायद मीटिंग्स हुई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुलाया गया जो कि आइनी इदारा है और जिसकी असल जिम्मेदारी शफाफ और गैर जानबदार और आज़ाद इंतखाबात कराना है और उस तरह से कराना है कि उन पर उंगली ना उठे। फैफन और पिल डेट के बारे में सारे पाकिस्तानियों को मालूम है और उनकी पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए उनकी सर्विसेज सारे जानते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने इंश्योर करने के लिए कि कोई गलती ना हो उन स्पेनिश कंसल्टेंट्स की फर्म के भी व्यू पॉइंट को सुना और उसके अलावा जो इंटरनेशनल कंपनीज आई वोटिंग में कुछ महारत रखती हैं उन्हें भी सुना। एक डेलीगेशन उन दिनों में जा रहा था रशियन इलेक्शंस को ऑब्जर्व करने के लिए, उसमें भी नुमाइंदगी ली गई और वहाँ पे भी जाके रशियन इलेक्शंस को भी, वहाँ के डूमा के इलेक्शंस को भी ऑब्जर्व किया गया। सुना था कि वहाँ पे भी इंटरनेट वोटिंग है। वो सारा देखने के बाद और तमाम स्टेक होल्डर्स को सुनने के बाद कमेटी ने इलेक्शन कमीशन की जो सिफारिशात थी उनको मुकदम जाना, क्योंकि 34 के करीब एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ने उन असलाहत पे लगाए थे जिनमें ई वोटिंग यानी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मीडियम के वोट डालना किस तरह है इंटरनेट के ज़रिए या अदरवाइज, उसके बारे में उन्होंने अपनी मुख्तलिफ एतराज़ात सामने रखे थे। इलेक्शन कमीशन के मौकफ को फौकियत देते हुए और ये रियलाइज़ करते हुए कि इंतखाबात नहीं हो पाएंगे इस कलील अरसे में, ये साल 6 महीने 1.25 साल की ये एक्सरसाइज नहीं है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसके लिए हमें पहले पायलट प्रोजेक्ट्स करना है, क्योंकि हम जनरल इंतखाबात में पूरे मुल्क में ईवीएम मशीन्स का भी रिस्क नहीं ले सकते और इंटरनेट वोटिंग जो है उसकी अभी तक जो मुस्तनद होना के यानी उसमें वोट में हेरा फेरी ना हो उस पर हमें बहुत सारे सीरियस कंसर्न्स हैं, जो कि इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स और लोकल कंसल्टेंट्स के थे। इस तनाजुर में स्टैंडिंग कमेटी बराए पार्लियामानी अमूर जिसमें सेनेटर कामरान साहब भी बैठते रहे हैं हमारे साथ, सेनेटर ताज हैदर साहब थे, सेनेटर अली जफर साहब थे उसमें, सेनेटर आजम सवाती साहब, जनाब शिवली फराज साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, सेनेटर ताज हैदर साहब, ये सारे लोग थे जिनका लीगल बैकग्राउंड भी है और वो मंझे हुए सियासतदान हैं। कसरत राय के साथ ये जो बिल था इसको रिजेक्ट किया गया और कहा गया कि ये बात इलेक्शन कमीशन पे छोड़ी जाए कि वो आइंदा इंतखाबात में कितने हलकों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा सकते हैं और किस तरीके से करवाएंगे। और ये बात जायज़ और सायब इसलिए समझी गई कि जो अदारा इलेक्शन करवाने के लिए आज़ाद खुद मुख्तार है, हकूमत इलेक्शन नहीं करवाती, हकूमतें घर चली जाती हैं, इलेक्शन करवाना उसके तरीके का वजा करना बजा है कानून के ताबे, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो इस तनाजुर में इस शिक को नामंजूर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको हकूमत ने टेबल नहीं होने दिया सेनेट में, क्योंकि ये हकूमत का इख्तियार है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स का कि वो उस रिपोर्ट को बिल की शक्ल में टेबल करती सेनेट में। 90 रोज गुजारे गए ताकि वो टेबल ना हो तो ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई, वहाँ पे अददी अक्सरियत जो कि चंद वोटों की थी, दोबारा आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे,
कौमी असम्बली में जब जॉइंट सिटिंग हुई सेनेट और कौमी असम्बली की 2021 के आखिर में, जिस तरह से बुलडोज करके ये दो प्रोविजन सिर्फ जो थी ये कैरी करवाई गई, वो आप सबके सामने है। तो अभी हमने कहा कि हम इलेक्शन इस्लाहात करवा रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने भी ये कहा कि अगर इंतखाबात होने हैं इस मुल्क में तो फौरी तौर पे 6-7 माह के या 8 माह के अंदर या साल के अंदर अंदर इंतखाबात अगर चाहते हैं तो वो ई वोटिंग मशीन्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग या इंटरनेट वोटिंग के जरिए मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें टाइम चाहिए और कानून में मुनासिब तरमीम भी चाहिए। जो मैंडेट कर दिया गया था, जो थोप दिया गया था उन पे कि आपने कराने ही कराने हैं, चाहे इंतखाबात तबाह हों या इंतखाबात में रखना पड़े, उसमें उन्होंने कहा कि हमें इतनी स्पेस दी जाए। हम एक आईनी इदारा हैं कि हम इंतजामात के कैपेसिटी के मुताबिक मॉडर्न डिवाइसेस का इस्तेमाल करें। रही बात आज जो कानून राइजुल वक्त है, ना उसमें इंटरनेट ना उसमें ओवरसीज वोटर्स को हक रायदही से महरूम किया गया। जो बिल पास हो के इसको रिपील कर रहे हैं और वो भिजवाए जा रहे हैं असेंट के लिए, ना जो कल और आज में बिल पास हुए हैं कौमी असम्बली और सैनेट से, उनमें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हक राय दही लिया गया है। ये बिल्कुल झूठा प्रोपेगंडा है। रही बात ईवीएम मशीन्स की, तो उसमें भी हमने कहा है कि इलेक्शन कमीशन जरूर ये तरीकाकार इस्तेमाल करे, लेकिन अपनी पॉलिसी के मुताबिक। इलेक्शन कमीशन का यह कहना था कि जिस मुल्क में लोग एटीएम मशीन यूज करने के लिए उन्हें 15 से 20 साल लगे, और यह मेरा अपना तजुर्बा सुनी हुई बात है, बेनजीर इनकम सपोर्ट में जो गरीब लोगों को 4,000 या 5,000 मिलता है, वो एटीएम मशीन से निकलवाने के लिए कई जो बुजुर्ग औरतें और मर्द हैं वो एजेंट्स को 200 से 300 रुपया देते हैं। तो वोट तो फिर एक और उससे अगली स्टेज है। मेरा ज़ाती ख्याल भी ये है कि हमारे मुल्क में जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के मसले हैं, दूरदराज इलाकों में बिजली की सप्लाई और वो सारी चीज़ें, और जो लाखों की तादाद में पोलिंग स्टाफ है उनकी ट्रेनिंग इन मशीनों पे करवाना, और फिर मशीन की अथेंटिसिटी के ये वाकई ही इसमें कोई किसी किस्म की खराबी नहीं पड़ेगी, ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन ने असेस करने के बाद ये कहा कि मशीन पे अगर आप इलेक्शन ले जाना चाहते हैं तो इसे भी आप दर्जा बदर्जा करें। तो हमने ना ये कहा है इस कानून में कि मशीन इस्तेमाल नहीं हो सकती, बल्कि ये मामला इलेक्शन कमीशन पे छोड़ा कि आप पायलट प्रोजेक्ट्स करके आप तसल्ली करें और आप जिस इंतखाब में चाहें ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ी क्लियर पोजीशन है, इस पे ये वजाहत करना आप सब लोगों के सामने बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उधर से तो ये एक मतवातर कल से ये प्रेस में भी और जो वो ट्विटर पे सोशल मीडिया पे एक तूफान बरपा किया हुआ है पीटीआई के लोगों ने कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी से वोट डालने का हक छीन लिया गया है। हमने बल्कि उन्हें ये हक उनका इंटैक्ट रखने के साथ साथ एक और तजवीज़ है इत्तेहादी जमातों की, जो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारा, बल्कि ये हमारी तवक्को है कि इमरान खान साहब जो कि हमेशा बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, वो इसको छोड़ें। अगर वो वाकई दर्द दिल रखते हैं बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए, तो आए असम्बली में आके हम आइनी तरमीम ला रहे हैं जिसमें हमारी ये ख्वाहिश है कि जो इस्लाहात कमेटी है उसके सामने ये एजेंडे पे है, वहाँ से ये मंजूर होने की कवी उम्मीद है कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनको असम्बली में भी नुमाइंदगी दी जाए। उसके लिए जाहिर है आपको आइनी इस्लाहात में वो प्रोविजंस चेंज करना पड़ेंगी जिसमें उनके ड्यूल नेशनैलिटी का मामला है, लेकिन अगर कोई उनमें से दोस्त अपनी नेशनैलिटी वहाँ की छोड़ के पाकिस्तानी नेशनैलिटी रख के उस कोटा से इलेक्शन लड़ना चाहे, तो उसके लिए जो इलेक्शन इस्लाहात की एक जामे कमेटी इस वक्त है वो काम कर रही है। पीटीआई को भी चिट्ठी लिखी गई है, उनकी तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं आ रही, ना सेनेट की तरफ से ना कौमी असम्बली की तरफ से। तो एक तरफ तो ये संजीदगी, हम तो कहते हैं कि आप वोट का हक तो है ही है उनके पास, हमारे बहनों और भाइयों के पास, हम तो उन्हें कौमी असम्बली सेनेट में नुमाइंदगी भी देना चाहते हैं कि उनकी सीट्स हों, उनका कोटा हो। मशरक वस्ता है, उसकी सीट है, दो जोन्स में जाए जो भी, वो तो डीटी ग्रीटीज हैं। एक और चीज़ जो इलेक्शन कमीशन ने हमारे सामने रखी, उन्होंने कहा कि जो बैरून मुल्क तारकीन जो बैरून मुल्क समुंदर पार पाकिस्तानी हैं
उनके वोट में मशरक़ वुस्ता में मिलियंस की तादाद में हमारे दोस्त जो हैं वो मुकीम हैं, जो कि ज़र मुबादला भी कमाते हैं और वहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं। मशरक़ वुस्ता के बहुत सारे ममालिक ने लिख के रिफ्यूज़ किया कि हम उनको वोट डालने की अरेंजमेंट्स नहीं कर सकते सफारत खानों में या दीगर जगहों के ऊपर। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कि उनके मुकामी कवानीन के मुताबिक उसमें कुछ पेचीदगियाँ थी। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, तो इनको सामने रखते हुए ये फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने कि इंतखाबात मुतासर हो जाएंगे अगर ये मुनासिब तरमीम ना की गई, और ये तरमीम जिस तरह से की गई थी वो सब आपके सामने थी, इसलिए आज आपको सहमत दी। तो फैसल साहब आप कुछ ऐड करना चाहें? अब नैब के बारे में, नैब में देखिए जी, नैब कवानीन एक आमर ने सन 2000 में 99 में इंट्रोड्यूस करवाए, सारे मुल्क के सामने है जो तारीख है नैब कवानीन की कि किस तरह 99, 2000, 2001, 2002 में इन्हें इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए, पूरी पूरी पार्लियामान को मैनेज करने के लिए लोगों को नैब ने उठाया, उनकी वाबस्तगियाँ तब्दील करवाई। उस टाइम पे हमें याद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में एक पैट्रियट ग्रुप बनवाया गया और वो तमाम लोग थे जिनको नैब के शिकंजे में कस के उनसे कंसेंट ली गई कि अब आप पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे। उसके बाद भी कमी नहीं रही, बाद के अदवार में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ANP हो, JUI हो, कोई भी जमात हो, नैब ने पूरी तरह से सियासत को मुकदम रखते हुए अपना किरदार मुल्की सियासत में अदा किया। इस हद तक किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपने फैसलों में लिखना पड़ा रीसेंट पास्ट में ख्वाजा साद रफीक को ज़मानत ग्रांट करते हुए कि ये हिस्ट्री है इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी लॉज की, और ये एक अच्छा काम था कि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अकाउंटेबिलिटी के नाम पर वो काम किए गए कि ये एजेंडा ही दागदार हो गया, ये मिशन ही दागदार हो गया। और अदालत ने ये लिखा कि शवाहिद मौजूद हैं कि नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही नए अदालती साल के आगाज़ पे, ये गालिबन 2019 का अदालती साल था, सितंबर 2019 में, उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट में बैठ के पाकिस्तान भर के सीनियर लॉयर्स की मौजूदगी में, जिसे आप लोगों ने कवर किया, उन्होंने कहा कि नैब कवानीन जो हैं या नैब का जो इदारा है उस पर बड़ी उंगलियां उठ रही हैं, कवानीन का गलत इस्तेमाल हो रहा है और सियासी मुखालफीन की हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रियाँ हैं। अदालतों ने अपने फैसलों के ज़रिए बारहा लिखा कि नैब का कानून जिसमें हाई कोर्ट्स रिट पिटिशंस के ज़रिए आईनी अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जमानत का दरख्वास्तों का फैसला करती थी जिसमें स्कोप बहुत कम था, ये बुनियादी हकूक़ के बरक्स है और जो आर्टिकल 25 है उसके भी बरक्स है कि और बहुत सारे मुकदमात, मैं एक मिसाल देता हूँ कि मेरे मुल्क में कत्ल के मुकदमे में, जना बिल जबर के मुकदमे में, अगवा बराए तावान के मुकदमे में जो शख्स अंडर ट्रायल है वो ज़मानत का हकदार है, यानी कि कानून गुंजाइश देता है कि अगर उसके केस में गुंजाइश है तो उसे ज़मानत दे दी जाए, लेकिन नैब का कानून कहता है कि ज़मानत सिरे से देनी ही नहीं है। बड़ी तब्दीली थी, ये तब्दीली की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तलत इसहाक केस में 5 रुकनी बेंच ने कहा कि पार्लियामान से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो ये कानून साजी करेगी। 90 रोज़ का रिमांड कल मैंने फ्लोर ऑफ हाउस पर भी कहा कि ये दहशत गर्दों के मुकदमात के लिए था, जिस तरह हमारे यहाँ ये बड़ा तकलीफ़ दे अमर है, ये खुदकुश बम्बार हैं, ये फिदाइन हैं, ये दीगर ममालिक में भी था, उनको डीब्रीफ करने के लिए, ब्रेन वॉश्ड लोगों को डीब्रीफ करने के लिए 90 रोज़ दरकार हुए कि आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करें, उनकी जहनी सेहत ठीक हो, तो फिर वो तफ्तीशकारों से गुफ्तगू करने की पोजीशन में आते हैं। वाइट कॉलर में दुनिया में कहीं 90 रोज़ का रिमांड नहीं था। कत्ल में, अगवा के मुकदमात में, हर्ट के केसेस में, सीरियस फ्रॉड में, ये सारे वो इंस्टांसेस हैं, रॉबरी में, सब में 14 दिन का रिमांड पूरे मुल्क में है, तो उसको सीआरपीसी से हम आहंग करके वो 14 दिन पे किया गया। नैब का कानून बनाया गया मुल्क से रिश्वत और रिश्वत सतानी ख़त्म करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी आड़ में सरकारी मुलाजमीन को इस हद तक हरासा किया गया
कि हमारी ब्यूरोक्रेसी ने काम करना छोड़ दिया, हमें अरबों डॉलर्स के नुकसान हुए प्रोक्योरमेंट में। आपको इवन जब ये कोविड की वबा फैली तो NDMA के ताबे जब प्रोक्योरमेंट्स हो रही थी तो ऑफिसर्स ने साइन करने से इनकार कर दिया कि जी हम नैब नहीं भुगत सकते। PTI सरकार ने फिर एक मुफसल पैकेज तैयार करके तजावीज़ दी कि सिर्फ मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी या इख्तियारात के इस्तेमाल में गलती जो है, जब तक करप्शन नहीं होगी उसमें ये जुर्म नहीं है। इसी तरह असासों के हवाले से बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने असासे डिक्लेयर करते हुए जो DC रेट या रजिस्ट्री अमाउंट जो रजिस्ट्री के अंदर अमाउंट्स होती हैं वो करते हैं, उस पर नैब पकड़ लेती थी कि जी ये इससे अमाउंट इससे नहीं मिल रही, ये हिसाब की गलती है लेकिन ये जुर्म है। नैब पूरे को पढ़े, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स की जजमेंट्स हैं कि ये साबित करना ज़रूरी है कि पैसा जो है वो करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस से बनाया और फिर असासा बना, उसको छोड़ देते थे। वो तरमीम डाली गई कि आमदन से ज़ायद असासे वो जो रिश्वत सतानी से बनाए हैं, अदरवाइज़ कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो FBR देखे या रेलिवेंट इदारा देखे। इसी तरह 30 दिन में जी ट्रायल ख़त्म होना चाहिए, ये एक ऐसी माजरत के साथ मुनाफकाना पॉलिसी थी जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ, क्योंकि जो नैब रेफरेंसेस में जिस हद तक डॉक्यूमेंट्स और वो इन्वॉल्व होते काम हो ही नहीं सकता, उसको हमने 30 दिन को एक साल दिया अदालत को। अदालतों की ये तजावीज़ थी कि मुनासिब वक्त फराम किया जाए। अपील 10 दिन में दायर करनी है, बंदा जेल में है, उसकी बीवी बच्चे ढूंढते फिर रहे हैं, जी वकील करना है, कागज़ पूरे करने हैं, उन्हें 30 दिन की मोहलत दी है। इसी तरह जो गिरफ्तारी थी वो चेयरमैन साहब का फ़र्द वाहिद का इख्तियार था, बादशाह सलामत का, कि वो जिसको चाहें ऑर्डर करें जिसको चाहें ना करें, उसको स्ट्रक्चर किया और उसमें ग्राउंड्स दिए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रीसेंट जजमेंट में गुलाम हुसैन केस में 7 रुकनी बेंच ने कहा कि गिरफ्तारी आम तौर पे नहीं होनी चाहिए जब तक कि ये ग्राउंड्स ना हो, वो ग्राउंड्स जो हैं उनको रीइट्रेट किया गया। और इसके अलावा ऐसी तरामीम की गई हैं जो बेनिफिशियल है, मसलन इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जजेस को फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी। अब देखें अगर रिटायर्ड जज साहबान को जिस तनख्वाह पे वो रिटायर हुए हैं उससे 10 गुना ज़्यादा यानी कि 10 लाख तनख्वाह मुकर्रर कर दी गई नैब के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के जज की, और वो भी रिटायरमेंट के बाद, और फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट करनी थी, हमने वो ख़त्म किया है। हमने कहा नहीं जी ये मुतलका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब अपॉइंट करेंगे, उसको सिर्फ नोटिफाई फेडरल गवर्नमेंट करती है और उनकी तनख्वाहें वही होंगी जो हाजिर सर्विस जजेस की हैं, क्योंकि वो हैं हाजिर सर्विस जज। तो इस कानून के तहत कोई हाइड सेशन जज या कोई शख्स जो है, कोई भी वकील या शख्स जो है वो डायरेक्ट नहीं लगेगा, जो हाजिर सर्विस सेशन जज साहबान हैं उन्हें उस सूबे के मुतलका सूबे के चीफ जस्टिस साहब मुकर्रर करेंगे, ताकि जो अदलिया का इंतज़ामिया से सेपरेशन का कॉन्सेप्ट है, अदलिया की आज़ादी के हवाले से वो वाइटल है, उस पर कोई हर्फ ना आए। तो इस तरह की तरामीम है, हम समझते हैं कि ये वो तरामीम है जो पिछले 20 सालों में लोगों को गलत बात में फ्रेम करने से बचाने के लिए ज़रूरी थी। जो किसी शरीफ आदमी को एक दफ़ा पूरे माशरे में विलन के तौर पे पेश करके और उसके बाद एक लाइन लिख के कह देना कि इनके खिलाफ मुकदमा नहीं बनता इसलिए ड्रॉप कर रहे हैं, उन मासूमों को बचाने के लिए ज़रूरी थी। हमने नैब तरामीम में ये भी लिखा है कि जैसे पुलिस में और FIA में और दीगर तफ्तीशी एजेंसियों में तफ्तीश एक सीक्रेट अमल है जो कि सीक्रेसी के साथ की जाती है, पुलिस डायरीज कभी शेयर नहीं की जाती। नैब ने एक वतीरा बना रखा था कि जब भी कोई केस शुरू करते थे अगर उस शख्स को ज़्यादा बदनाम करना होता था तो नैब से अलामिया जारी होता था कि जी ये चीज़ें निकल आई हैं, ये अब निकलना बाकी हैं, ये बरामदगी हो जाएगी और ये बरामदगी करना बाकी। हमने कहा कि ये कोई प्रेस स्टेटमेंट प्रेस रिलीज नहीं निकले नहीं कर लेगी। तो ये कुछ उससे फीचर्स थे और हम ये उम्मीद करते हैं, हमने तो जो भुगतना था भुगत लिया, जो इस वक्त की हुकूमत में जो कायदीन हैं वो नैब के अकूबत खाने भुगत चुके हैं, वो झूठे मुकदमात का सामना अदालतों में कर रहे हैं, कई मुकदमात में वो बरी हो चुके हैं, कुछ मुकदमात उनके जेरे इल्तवा हैं। इन तरामीम से लोगों ने कहा कि फायदा जो है वो आने वालों को होगा, तो आप अभी ना करें,
क्योंकि जो जो केसेस सामने आ रहे हैं, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो रिंग रोड है, चाहे वो लाहौर में इंटरनेशनल होटल की 10 अरब की प्रॉपर्टी की 1 अरब 20 करोड़ में फरोख्त है, चाहे वो ब्रॉडशीट के ज़रिए जो और जो बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 54 अरब रुपया भेजा उसका ज़ाती जुर्माने में कन्वर्शन है, ये सारे मुकदमात अब नैब और तफ्तीशी इदारे करेंगे। लेकिन हम ये समझते हैं कि इस मुल्क की अदालतों ने, इस मुल्क की सिविल सोसाइटी ने, इस मुल्क की बार एसोसिएशन ने, इस मुल्क की पार्लियामान ने जो तजावीज़ दी कि इस इदारे को खुदारा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी शख्स का कोई आम ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी शख्स की किरदार कुशी के लिए इस्तेमाल ना करें, किसी बेगुनाह की बददुआ ना लें कि सरकारी मुलाजमीन को जिस तरह फ्रेम किया गया कि वो हुकूमती बात नहीं मान रहे, सियासतदानों की सियासी वाबस्तगियाँ या उनकी ज़ुबान बंदी के लिए इस्तेमाल ना हो। तो ये जामिया तजावीज़ थी जो कल मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन कौमी असम्बली ने हाउस में ये अमेंडमेंट्स पेश की, उन पर बहस हुई, हमारा मौक़िफ़ आया हुकूमत का और उसको मंजूर किया गया। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने ये तरामीम मंजूर कर ली है। जो अपोजिशन जो 12-14 लोग वहाँ पे थे उनके ये दो रुखी भी बड़ी मज़ेदार है कि कौमी असम्बली छोड़ के गए हुए हैं, तन्हाई वहाँ से ले रहे हैं और सेनेट में आ गए और उन्होंने कहा कि जी हम इनकी मुखालफत करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एक लफ्ज़ नहीं बोले कि इसमें से गलत क्या है, क्योंकि ये वो बिल था जो पिछली हुकूमत ने दिया था, उसमें कुछ तरामीम की गई हैं। बहुत शुक्रिया जी। जी चेयरमैन की तकर्री के हवाले से बिल्कुल जी, चेयरमैन की तकर्री पे डेडलॉक्स आ जाते थे। एक तो इन्होंने, आपको पता है कि मौजूदा चेयरमैन साहब को तौसी देने के लिए और उसकी वजूहत सबके सामने हैं, चेयरमैन का ओहदा एक्सटेंडेबल नहीं था, यानी वो दोबारा मुकर्रर नहीं थे हो सकते, इस वजह से मुकर्रर नहीं हो सकते थे कि ये चीज़ें एक्सप्लॉइट की जाती हैं। उनकी इंडिपेंडेंस पे हर्फ आता है कि हुकूमत कहती है जी आपको दोबारा लगा देंगे आप हमारी बात माने। उनका वो जो तब्दीली थी कि वो पीरियड एक्सटेंडेबल होगा यानी कि वो दोबारा तैनात होंगे, वो शिक ख़त्म कर दी गई है और नई तैनाती में लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर हाउस के दरमियान अगर इतफाक़ राय ना हो तो पार्लियामानी कमेटी का कॉन्सेप्ट दिया गया, ये फ़र्क है जी उसमें। मौजूदा चेयरमैन तो वैसे ये जिस दिन ये दस्तखत हो गया उस दिन भी फारिग होंगे, वरना 2 जून को वो वैसे ही जो ऑर्डिनेंस जिसकी वजह से वो हैं वो लैप्स कर रहा है, तो जाहिर है उनकी जगह पे नई तकर्री होनी है। उसका अमल भी शुरू कर दिया गया है, कल लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ हाउस में वज़ीर आज़म साहब में कुछ मुशावरत हुई है, वो मेरे ख्याल में उस प्रोसेस के नतीजे में 1-2 दिन में आपके सामने कुछ नतीजे आ जाएंगे।